कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं और न कोई क्राइसिस है। पहली चीज तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देर इज नो क्राइसिस इन समाजवादी पार्टी एट ऑल। किसी तरह का कोई संकट समाजवादी पार्टी में नहीं है जो कई दिनों से चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैसले हो जाते हैं जिससे लगता है लोगों को कि इसमें कोई दिक्कत पार्टी के सामने है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सारी पार्टियों में किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों बस कभी हो जाता है। मुख्यमंत्री ने जो भी फैसले लिए आप सब जानते हैं, उन्होंने खुद कहा कि ज्यादातर फैसले वो पार्टी के अध्यक्ष जी के कहने से हुए, कुछ फैसले ऐसे थे जो उन्होंने कहा कि मैंने खुद लिए। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का चीफ मिनिस्टर अगर कोई फैसले अपनी तरफ से लेता है तो कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, इट इज नेचुरल, ही शुड टेक डिसीजंस। अब यह है कि कहीं किसी माइनर पॉइंट पर कोई अगर डिफरेंस हो जाता है तो वो डिफरेंस रिजॉल्व सा समझ लीजिए, कुछ नहीं। और सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री जी को जब अध्यक्ष पद से हटाया गया तो इतना नेतृत्व से थोड़ी सी जानबूझ के न सही, लेकिन इतनी गलती हो गई कि उनसे अगर मांग लेते इस्तीफा तो इस्तीफा दे ही देते, पूछ के रहे उनसे कह देते भाई इस्तीफा दे दीजिए, चुनाव आ रहा है, अध्यक्ष का काम जो है ये करेंगे और आप मुख्यमंत्री हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। उस चक्कर में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और कोई बात नहीं।